जो अपना पेट भरने के लिए इलाके की गैरत को, इलाके की इज्जत को एक तरफ छोड़ करके अपने पेट पालने के लिए, इलाके को बर्बाद करने के लिए जो यहाँ हथियारों को लेकर के खड़े हैं, इनकी इस मामूली हैसियत को आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो भाजपा और ये टोल चलाने वाली कंपनी अगर ये समझती है कि ये इस तरह की आंख दिखा करके और इस तरह की गीदर भभकी दिखा करके हमारे इलाके को डराने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, ये इनकी बहुत बड़ी अनदेखी है। जो परसों का हुक्म जारी हुआ है कि परसों हम शायद पंचायत करते या ना करते, परसों का फैसला किया है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि परसों 10 बजे का टाइम है, मैं तो कहता हूं आप 9 बजे ही आने की कृपा करें और 9 बजे यहां पहुंच करके ये सारी बातें हम इलाके के सामने रखेंगे। और अगर अब हमने कोई चूक की तो आज तो एक पिस्तौल दिखाई है इलाके की लड़ाई लड़ने वालों को। अगर ये कमजोरी इस इलाके की ऐसे ही बनी रही तो घर घर में यहाँ पिस्तौलें दिखाने वाले भाजपा के ये जो ये भूखे भेड़िए हैं, जो माँ बाप के ऊपर बोझ हैं, जो बाल बढ़ा करके और शरीर बढ़ा करके पिस्तौल जेब में रख करके ये समझते हैं कि उन्हीं की तरह जितने कायर वो गुंडे हैं उतने ही कायर ये इलाका होगा, इनकी इस भूल को, इनकी इस सोच को ये इलाका ठीक करने का काम करेगा। थाने में चल करके इस कायर पुलिस की, जो एक पुलिस की मौजूदगी में जो ये हरकत हुई, चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है, CID लगी हुई है और पुलिस ने जो कार्रवाई ना करके उल्टा उन्हें यहाँ से भगाने का काम किया है, जो भी है ये शहनवाज है या जो भी है उनके रखवाले पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, थाने के ऊपर धरना देते हैं क्योंकि ये छोटी घटना नहीं हुई है जो इस तरीके से पुलिस की और भाजपा की मिली भगत से हमारे इलाके की शान के ऊपर जो आज ये गुस्साखी कुछ इस गुंडों ने की।